ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत कथा पूजन विधि महत्व। पहला श्रावण सोमवार 10 जुलाई 2023 को है। श्रावण सोमवार व्रत की पूजा में कुछ सामग्री जरूर शामिल करें, इससे शिव पूजा जल्द फलित होती है। आइए जानते हैं श्रावण सोमवार की सामग्री एवं पूजन विधि। सावन सोमवार में शिव पूजा के लिए कच्चा दूध, गंगा जल, दही, घी, शहद, भांग, धतूरा, शक्कर, केसर, चंदन, बेलपत्र, अक्षत, भस्म, रुद्राक्ष, समीपत्र, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, कपूर, धूप, दीप, शिव के प्रिय फूल हर श्रृंगार, आग, कनेर, इत्र, पंचमेवा, काला तिल। सोमवार व्रत कथा सुने। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कई तरह के पुष्प प्रिय हैं, लेकिन मान्यता है कि सावन सोमवार की पूजा में शिवलिंग पर कमल के फूल चढ़ाने से व्यक्ति की सोई किस्मत जाग उठती है। सावन सोमवार को प्रदोष काल में ओम ह्रीम रौ नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर कमल का पुष्प चढ़ाएं। ये शिव का धनदायक मंत्र है। मान्यता है इस उपाय से गरीबी 7 जन्मों तक छू नहीं सकती। सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार व्रत भी शुरू किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और शिव जी की 16 उपचार विधि से पूजा करें। शाम को प्रदोष काल मुहूर्त में घर या मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, गाय का दूध, गंगा जल, भस्म, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करते हैं। शिव चालीसा, शिव रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं। शिव मंत्रों का जाप करें, आरती करें और जरूरतमंदों को वस्त्र, अनाज, तिल, गुड़, चांदी, रुद्राक्ष आदि का दान करें। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपके करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब की सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ सुनाई गई व्रत कथा का श्रवण करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने
उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एकाका काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उनके मामा ने बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे लोग वह तो एक आका काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारनी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गए। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी।